नमस्कार, लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। विक्रमगंज शहर में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी से बचाव के लिए शुक्रवार को विक्रमगंज शहर के तेंदुनी चौक सहित टेम्पू स्टैंड, बस स्टैंड, मॉल, सब्जी बाजार, मछली बाजार के अलावे मुख्य बाजार में अपर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। इसके साथ ही अपर अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार के द्वारा दुकानदारों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे बिना मास्क लगाए दुकान को नहीं खोलें और बिना मास्क पहने आए हुए ग्राहकों को भी सामान का बिक्री नहीं करें, नहीं तो ऐसे लोगों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा और वैसे दुकानों को भी सील कर दिया जाएगा जो दुकानदार बिना मास्क लगाए दुकानों का संचालन करेंगे। टेम्पू व बस चालकों को भी हिदायत किया गया कि मास्क का प्रयोग नहीं करने पर उनके परिचालन पर भी रोक लगा दिया जाएगा और महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस अभियान में अंचलाधिकारी आलोक कुमार, आलोक चंद्र रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार, थाना अध्यक्ष राम विलास चौधरी के अलावे पुलिस बल भी मौजूद थे। लोकल न्यूज 24 के लिए धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। ठीक है, बिना मास्क पहने सैनिटाइजर भी है, मास्क भी है। बिना मास्क के सामान को कहाँ घूम रहा है? बेवकूफ, इधर कैसे घूम रहा है? मास्क है तुम्हारा, घूम से कहाँ है? फटाफट जाओ। ये जो सर अभियान चलाया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक सघन जागरूकता अभियान कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण से बचाने के लिए लोग एक मास्क को अपनी जीवन शैली में अपनाकर जीवन जिए, इसी जागरूकता को हम लोगों ने तेंदुनी चौक पर विभिन्न ऑटो चालकों द्वारा, फल विक्रेताओं द्वारा, विभिन्न सब्जी विक्रेताओं द्वारा एवं आम जनता जो कि मार्केट में जिनका आवागमन है उनसे बातचीत किया गया, उन्हें मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी गई। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उन लोगों को मास्क खरीदवाया गया, अपने सामने ही उनको पहनाया गया। तो और आप देख सकते हैं कि जागरूकता अभियान के बाद अभी बाजार में काफ़ी लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक सकारात्मक बदलाव हमारे प्रयास का दिख रहा है बाजार में। जो सर मास्क लोग नहीं पहनेंगे उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि मास्क सबसे ही मजबूत हथियार है इस कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए, और शोध द्वारा भी ये साबित हो चुका है कि 90% केसों की कमी मास्क के इस्तेमाल द्वारा की जा सकती है। तो इसमें सभी को भी जागरूकता के आधार पर जागरूक किया जा रहा है। अगर जागरूकता के तहत भी उन लोग इसमें सहयोग नहीं करते हैं या फिर विभिन्न तरह के बाधा पैदा करते हैं हमारे इस जागरूकता अभियान में, तो उन लोगों पर महामारी अधिनियम के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे, केस रजिस्टर करेंगे।